नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉइंट माइंड ट्रेनर। आज का टॉपिक महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है ब्यूटी ट्रीटमेंट विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हां, अपने मन की शक्ति के द्वारा आप वेरियस ब्यूटी हैक्स कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सब कुछ सिर्फ केवल मात्र मन के द्वारा करना है। यानी आप अपनी त्वचा पर काम कर सकते हैं, आप अपने बालों पर काम कर सकते हैं, और ऐसे करके अपने फिगर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वेरियस अलग अलग चीजों पर आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने को ठीक वैसा बना सकते हैं जैसा आपके मन में इच्छा है। इसके पीछे सीक्रेट क्या है, मामला क्या है, साइंस कुछ है इसके पीछे, या ऐसे ही अंधविश्वास है? देखिए, हम जो भी चीज सोचते हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, और हमारे शरीर को आखिरकार घूम फिर के देखा जाए तो कंट्रोल करता कौन है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो आपका जो त्वचा है, जो स्किन है, इसका जो क्वालिटी है, इसके फाइनल कंट्रोलर जनरल कौन है? जो कंट्रोलर जनरल है आपके स्किन के, वो है आपका ब्रेन। आपके बालों का जो अवस्था है, उसके फाइनल कंट्रोलर जनरल कौन है? आपका ब्रेन। तो बस फॉर्मूला ये है कि अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और ब्रेन को आदेश दीजिए, ओ ब्रेन, मेरे बालों को ऐसा 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 करो, मेरी त्वचा को ऐसा ऐसा करो, मेरी आंखों को ऐसा 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 करो, मेरे फिगर पे ऐसा 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 काम करो। और अगर ब्रेन आपके नियंत्रण में है तो ब्रेन को आदेश देने पर ब्रेन उन आदेशों पर पालन करेगा, उस पर अमल करेगा। जब ब्रेन आपके आदेश का पालन करेगा तो फिर वही करेगा जैसा आप चाहते हैं, इतनी सी तो बात है। तो आपका जो त्वचा है, स्किन जो है, उसका क्वालिटी कैसा है? स्किन में जो वेरियस फ्लॉज होते हैं, शायद ब्लैक हेड्स है, ये है, वो है, स्कार है, शायद कोई पिंपल है, वेरियस अलग अलग चीजें होती है ना स्किन में, तो उन सब को हम एक झटके में, एक बार में स्मूदन आउट करना चाहते हैं। अगर रिंकल्स आ रहे हैं, अगर लाइंस आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ पैचेस हैं, कोई दूसरे शेड के, दूसरे कलर के, ये सब का सब, एंटायर कैटेगरी ऑफ एवरीथिंग टू डू विद द स्किन, आपके त्वचा से संबंधित जो कुछ है, सब कुछ आपका ब्रेन, आपका खुद का ब्रेन, पड़ोसी का ब्रेन नहीं, किसी और देश के किसी नागरिक का ब्रेन नहीं, आपका अपना ब्रेन, वो इन चीजों को एक एक करके हैंडल करके सुधार सकता है। तो आपको करना पड़ेगा विजुलाइजेशन, साधारण विजुलाइजेशन नहीं, आपको करना होगा क्रिएटिव विजुलाइजेशन, और ये तब करना होगा, यानी मन के उस स्तर पे करना होगा जहां पर आपका ब्रेन आप ही के नियंत्रण में काम कर रहा है। जैसे जब हम अपने हाथ को उठाते हैं, उंगली को फोल्ड करते हैं, सीधा करते हैं, ये सब हमारे इच्छा अनुसार हमारा ब्रेन हमारे शरीर में करके दे रहा है, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने किया, ऐसे ऐसे जो किया, जो भी अपने हाथों से हम कर रहे हैं, ये इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रेन करवा रहा है ना। बस उसी ब्रेन को थोड़ा और कहना है, भाई देखो स्किन को भी जरा संभाल लो, तो ब्रेन कर देगा। सच में ऐसा होता है। और जहां तक बालों का सवाल है, आपका हेयर डिजाइनिंग, बालों का क्वालिटी, बालों का डिजाइन, सब कुछ अल्टीमेटली आपके ब्रेन के पास है। ब्रेन को आदेश दीजिए, वो सारे काम कर देगा। जो आप लंबे लंबे खर्चे करने पड़ते हैं आपको, महीने महीने में, समय समय पर ढेर सारे खर्चे करने पड़ते हैं, थोड़ा सा ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिगर टोनिंग के लिए, कितना कुछ ही नहीं करना पड़ता है, इन सारे खर्चों को आप बचा सकते हैं। बस एक बार इन्वेस्ट कीजिए, एक दो दिन का ट्रेनिंग जो मैं कराता हूं, माइंड पावर ट्रेनिंग या सबकॉन्शियस माइंड का
पूरा प्रशिक्षण हम पाते हैं वो करने में, उसके बाद जीवन भर आपको कहीं इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। जहां पे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल हीट आ रहा है, कुछ कटिंग हो रहा है, कुछ काटना छाटना, मैं कहने वाला था छटिंग हो रहा है सो काटना छाटना हो रहा है और उसमें कुछ केमिकल्स लगाने पड़ रहे हैं, हीट लगाना पड़ रहा है, ये ऑइंटमेंट वो ऑइंटमेंट, कितना कुछ, क्या जरूरत क्या है, सब कुछ आपके पास है, आपके ब्रेन के पास है, आपके दांतों का जो कंडीशन है, उनका जो सजावट है, जो उनका स्मूथनेस है, उनकी पोजिशनिंग है, सब कुछ तो आप अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, इन टिप्स को फॉलो कीजिए, थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जी हाँ, कि आपका ब्रेन काम तो कर रहा है, रिजल्ट्स तो आने लग गए हैं। और बाद में पूरा ट्रेनिंग कर लीजिए, मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग है, उसमें डिटेल में सीख लीजिए और डिटेल में फिर हर काम को कीजिए। तो पहला टिप जो मैं आपको देने वाला हूं वो है हेयर ग्रोथ। मान लो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर फॉल रोकने वाला टेक्निक इस वक्त नहीं बता रहा हूं, इस वक्त न्यू हेयर ग्रोथ का बात कह रहा हूं। तो अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप सिर में देखेंगे बाल पतले होते जा रहे हैं और एक बाल और दूसरे बाल के पीछे बहुत जगह हो गया, बहुत स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यानी खेती बड़ी अच्छे से नहीं हो रही है सिर पे। तो इसके लिए हम एक टेक्निक अभी सीखेंगे, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं, कुछ और टिप्स मैं आपको दूंगा। तो पहली बात है, आपको अपना जो सिर का मसाज है उसका एक्सपीरियंस आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो बहुत अच्छे से हेड मसाज करता हो, सिर का मसाज करके देता हो। जब वो व्यक्ति आपका सिर का मसाज कर रहा होगा या कर रही होंगी, उस वक्त आपको पूरे एक्सपीरियंस को लॉक कर लेना है, स्टोर कर देना है अपने ही दिमाग के अंदर, सो दैट बाद में आप इसको रिकॉल करके इसके साथ हेयर ग्रोथ का फैकल्टी को ऐड कर सके, जैसे कि दोनों एक साथ हो जाए। क्या करना होगा, इस मुद्रा को सीख लीजिए, पहला उंगली दूसरा उंगली और जो अंगूठा है इनके अग्रिम भाग को, टिप्स को ऐसे करके सॉफ्टली टच कीजिए और बाकी दोनों उंगलियां अंदर की तरफ फोल्ड रहेंगी। इसे कहते हैं कुबेर मुद्रा। सो कुबेर मुद्रा ऐसे करके होता है, अंगूठा, पहला दो उंगली ऐसे करके अंगूठे के टिप पे पहला उंगली और दूसरी उंगली के टिप को टच किया, बाकी दोनों उंगलियां अंदर की तरफ, ठीक है। यह था कुबेर मुद्रा, कुबेर मुद्रा। सो पहले कुबेर मुद्रा कर लीजिए और फिर किसी से रिक्वेस्ट कीजिए जरा हेड मसाज कर दो ना, तो वो थोड़ा मसाज वगैरह कर रहे हैं आपके, कोई बहुत अच्छा मसाज करता हो ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाइए और कुबेर मुद्रा करके पूरे फीलिंग को गहराई से एक्सपीरियंस कीजिए, यानी मुद्रा क्या हुआ है और आप महसूस कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, क्या बात है, ओह ऐसा लगता है, ऐसे करके, मैं थोड़ा एक्टिंग करके बता रहा हूं पर आप मन में उस फीलिंग को रजिस्टर कीजिए, स्टोर कीजिए कि ऐसा 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 मसाज होता है, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करके मन में उसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, यानी अनुभव कर लीजिए कि ऐसा होता है, सो दैट बाद में जब असल में कोई मसाज नहीं कर रहा है आप अपनी कल्पना में उसी मसाज को फिर से एक्सपीरियंस कर सके, अपनी फीलिंग्स में, असल में तो नहीं होता है पर भावनाओं में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मसाज को आपने स्टोर कर लिया अपने माइंड में, यानी मसाज के अनुभव को कि कैसा लगता है जब सुंदर सा हेड मसाज होता है। इसके बाद रात को जब सोने को जाने के लिए आप तैयार हैं उस समय शांति से बैठिए, सीधा होके पीठ सीधा रखिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, गर्दन सीधा रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, कुबेर मुद्रा करते हुए किसी भी एक हाथ से, बाया हाथ अथवा दाहिना हाथ, किसी भी एक हाथ से कुबेर मुद्रा करते हुए मन की कल्पना में वापस मसाज अनुभव कीजिए कि वही वाला मसाज फिर से हो रहा है, कितना अच्छा, ऐसे करके आपको पूरा चीज री एक्सपीरियंस करना है, वापस पुनर अनुभव करना है कल्पना के शक्ति के द्वारा, ठीक है। अब मन में सोचना है जब वो मसाज चल रहा है, काल्पनिक मसाज चल रहा है जो कि सुबह वाला मसाज है उसी के बारे में सोच रहे हैं, अभी एडिशनली ऐड कर देना कि एक तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि आपका मसाज हो रहा है। अगर सच में तेल से मसाज किया गया था तब तो आपको वो भी पता है कि तेल के साथ मसाज करने से कैसा लगता है, परंतु अभी आपको एक सुगंध के बारे में सोचना है, असली में तेल का कोई भी सुगंध रहा हो, अभी मन की कल्पना में जब ये मसाज हो रहा है आपको आंवले के बारे में सोचना है, आंवला, आंवला जो है ना
उसका सुगंध कैसा होता है। एक बार एक्चुअल में आंवला काट के उसको नाक के पास लाके निचोड़ के सूंघ के देख लीजिए कैसा अनुभव होता है। बहुत ही एक स्पेशल टाइप का उसका सुगंध होता है, उसको मन में याद रखना है। कच्चा आंवला जो होता है ग्रीन वाला, ठीक है, ऐसा उसका सुगंध होता है। तो मन में सोचिए जब मसाज चल रहा है आपको वो आंवले का सुगंध मिल रहा है, ओहो, ऐसा मन में आपको सोचना है। और साथ ही साथ आपको सोचना है कि इस तेल में क्या क्या पौष्टिक पदार्थ है इस काल्पनिक तेल में। तो आपको जितना पता है, जितना ज्ञान है भौतिक जगत में कि बालों के लिए क्या क्या बहुत अच्छे होते हैं, तो मन में इस पूरे चीज के बारे में सोचना कि ये चीज है और इससे ये फायदा होगा जब मेरा मसाज हो रहा है, और ये भी कोशिकाओं के अंदर जा रहा है और ऐसे फायदे होंगे इसके, और ये भी जा रहा है। ऐसे करके जो नॉलेज आपको ऑलरेडी अवेलेबल है या थोड़ा बहुत किसी से पूछ पाछ के और थोड़ा नॉलेज आ गया, तो मन की कल्पना में सोचना है कि मेरा ये जो काल्पनिक मसाज हो रहा है सिर में, उसके ऐसे ऐसे लाभ होंगे क्योंकि ये वाला तेल यूज किया जा रहा है जिसमें ये बेनिफिट्स हैं। ऐसा आपने मन में थोड़ा सोचा और मन में आंवला के सुगंध के बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए एक्चुअल का आंवला काट के पीस के आसपास रख दीजिए, उसका सुगंध आता रहेगा, महक आता रहेगा, पर बेस्ट होगा फिजिकल शारीरिक लेवल पे, यानी दुनिया में सच का आंवला रखने की जरूरत नहीं है, मन की कल्पना ही इस्तेमाल कीजिए। शुरू के दिनों में एक्चुअल आंवला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मन की कल्पना में चल रहा है मसाज, मन की कल्पना में आंवले का सुगंध आ रहा है, मन की कल्पना में आप सोच रहे हो कि ये जो अलग अलग पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं इस तेल में, इन सब का इफेक्ट मेरे ऊपर कैसा होगा, ऐसा आप सोचे जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज सोचना, यानी ये तो शुरू के समय पे सोचा कुछ देर के लिए, मान लीजिए आधा मिनट के लिए ऐसा सोचा, अभी रिमेनिंग टाइम पे एक और चीज सोचना है। आपको विजुलाइज करना है ये जो पौष्टिक तेल है जो कि आपके बालों में, आपके त्वचा पे, सिर पर, स्कैल्प में लगाया गया है, ये स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होते होते काफी गहराई तक चला गया है, और एकदम गहराई पे जाने पर नए बालों की सृष्टि होना शुरू हो चुका है और फाइनली बाल निकलने शुरू हो रहे हैं आपके स्कैल्प के अंदर से, बहुत सारा बाल निकल रहा है, नया बाल निकल रहा है। जैसे आपने कभी शायद देखा होगा कोई वीडियो जो कि जंगलों के बारे में होता है, खेती बाड़ी के बारे में होता है, कि नए पौधे, नए घास या नए गेहूं के पौधे, धान के पौधे, ये सब जो है जब ग्रो करते हैं शुरू शुरू में कैसे होता है, जो स्टॉप मोशन फोटोग्राफी में दिखाते हैं ऐसे झुझुझुझु करके ग्रो करते हैं ना, झुझुझुझु ऐसा कांप रहा है और ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक एक घंटे के बाद या दो दो तीन तीन घंटे के बाद एक एक फोटो लिया गया, इन फोटोज को जोड़ के पूरा मूवी बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है, इसे कहते हैं स्टॉप मोशन फोटोग्राफी। सो स्टॉप मोशन फोटोग्राफी में घास का बढ़ना कैसे होता है, बहुत रैपिड स्पीड में घास बढ़ते रहते हैं, पौधे बढ़ते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आपने सोचा कि आपके सिर में ऐसे करके बाल ग्रो कर रहे हैं, जु 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 जु। कितने ही बाल आ रहे हैं, और बाल आके जैसे हमारा दाढ़ी में होता है ना, हल्के बाल होने से चुभता है उंगलियों में, उस स्टबल जो निकला होता है, ऐसे ही सोचिए सिर में भी हो चुका है, इतने घने 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 तौर पे छोटे 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 नन्हे नन्हे बाल आ चुके हैं कि हाथ फेरने पे उंगलियों में चुभेगा वो, उन बालों का जो टिप्स है। ऐसा मन में आपको सोचना है, डिटेल में ऐसे सोच लीजिए कि नए बाल आ रहे हैं। अब सोचिए कुछ दिनों के बाद बाल थोड़े और बड़े हो गए, और कुछ हफ्तों के बाद और बड़े हो गए, कुछ महीनों के बाद काफी बड़े हो गए, और एक साल दो साल के अंदर बड़े ही सुंदर घने और लंबे बाल और अच्छे कल्चर्ड, मतलब अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया हुआ, ऐसे बाल आपके हैं। ऐसे के मन में विजुलाइज कर लीजिए। ये जो टोटल विजुलाइजेशन करेंगे इसके लिए एक मिनट दो मिनट काफी है, इतने देर के लिए आंख बंद करके क्रिएटिव तरीके से आपने विजुलाइज किया, इन चीजों को फील किया, ऐसा हर रोज कीजिए। हो सके तो सुबह उठने के बाद ही कीजिए और रात को सोने से पहले, दोपहर को भी अगर सो रहे हैं सोने से पहले और बाद में इस टेक्निक को मन में कर लीजिए, देखिएगा रिजल्ट आना शुरू होगा। कितने दिनों में रिजल्ट आएगा बताइए, केवल मात्र सिर्फ और सिर्फ कितना, ओनली, अरे सर बता भी दो बताते हैं,
सिर्फ 7 डेज, एक हफ्ते के अंदर आप नोटिस करेंगे, अरे बाल बढ़ गए यार, नए बाल आना शुरू हो गए। लोग कमेंट करके आपको बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे कि तुम्हारे बालों में घनापन बढ़ गया है, काफी सारा बाल आना शुरू हो गया है, यानी स्टबल तो इमीडिएटली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। सच में सच में सच में कीजिए तो सही, करके देखिए और रिजल्ट्स पाइए। अगर ये रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है इमीडिएट तरीके से, तो फिर आपको एक काम करना होगा, ये 24 आवर्स जो टीवी है इसका जो फोन नंबर है, मेरे ऑफिस का तो है ही, 24 आवर्स टीवी का जो फोन नंबर है, यहां फोन कीजिए और बोलिए अवधूत सर का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने देखा था और उसके बाद मैंने टेक्निक अप्लाई किया और मेरे बाल लंबे हो गए, बाल घने हो गए या बालों का क्वालिटी इंप्रूव हो गया, ये सब बताइए और फिर अपना बारे में डिटेल्स छोड़ दीजिए या मुझे मेरे ऑफिस में ही फोन कीजिए। अगर हमको आपकी बात अच्छी लगी, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं, अगर वो टेस्टिमोनियल अच्छा लगा हमको तो हम उस वीडियो को हमारे अगले आने वाले प्रोग्राम में ऐड कर देंगे आपका डिटेल्स के साथ, वो डिटेल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं। और अगर बहुत अच्छी लगी आपकी बात, यानी आपका सक्सेस बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, फैंटास्टिक का मीनिंग क्या है, मतलब आप नॉट ओनली अपने सिर के बालों का क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, दूसरों के सिर के बाल का क्वालिटी भी आप इंप्रूव कर रहे हैं, यानी अपनी बहनों का, सहेलियों का, बच्चों का, ढेर लोगों का। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मान लो कोई 70 साल का आदमी है जो कि टकला हो गया, या कोई 40-45 साल का आदमी है जिसके सिर पे टाक पड़ना शुरू हो चुका है, तो उसके भी बाल आपने ग्रो करवा दिए, सब अपने मन में सोच सोच के उनका भी बाल ग्रोथ होना शुरू हो गया, उनके अच्छे बाल हो गए, घने बाल हो गए, किसी का हेयर फॉल बहुत होता था वो रुक गया, ऐसे करके ढेरों लोगों का आपने फायदा किया है और खुद का तो किया ही है। और ये करने के लिए आपने किसी से कोई पेमेंट नहीं लिया, डोंट टेक पेमेंट, फ्री में कीजिए, किसी का भला करना है मुफ्त में कीजिए, उसके बदले में कुछ मत लीजिए। यहां तक कि अगर हो सके कोई आपको थैंक यू देने के लिए आ रहा है वहां से सरक जाइए, रुकिए मत कि वो आपको थैंक यू कहेगा और आप थैंक यू रिसीव करेंगे, निकल जाइए, मत लीजिए किसी से कुछ बदले में। जब आप कुछ लिए बिना, कुछ पाए बिना, या कुछ पाने की इच्छा रखे बिना, इंक्लूडिंग एक प्यारी सी मुस्कुराहट पाने की इच्छा के बिना, वो भी नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन वो भी नहीं चाहिए, एक थैंक्स वो भी नहीं चाहिए, एक मीठी सी नजर वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ देना है। हम दूसरों का भला करते रहना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को पता भी ना चले कि हमने किया है। हाँ, जान पहचान में है, अपनी सहेली है, अपनी बहन है, ठीक है, बता दिया, पर जनरली स्पीकिंग हम दूसरों का भला करेंगे तो बताएंगे नहीं कि भाई तुम्हारा भला किया हमने, क्योंकि अगर बता दिया उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड फील होगा तो वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा, जैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा आपका, दैट मीन्स आपने जो अच्छा दिया था उसके बदले में रिटर्न कुछ मिल गया, दुकान बंद हो गया, शटर डाउन। परंतु अगर आप शटर डाउन नहीं करेंगे, दुकान का शटर ऊपर रखेंगे, यानी सामने से कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो फिर नेचर में, प्रकृति में एक कुछ डावाडोल हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी प्रकृति कोशिश करेगी कि बैलेंस क्रिएट किया जाए, इन्होंने कितने अच्छा काम किया है, कितनों का अच्छा भला किया है, तो इसके बदले में इनको भी कुछ मिलना चाहिए। अब सोचिए, पृथ्वी के लोग अपना ग्रेटिट्यूड देके आपको जो रेसिप्रोकेट करेंगे वो बेहतर क्वालिटी का होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का, या प्रकृति या ईश्वर अपनी तरफ से आपको कुछ देकर अपना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कौन सा सुपीरियर क्वालिटी का होगा? देखिए, मनुष्यों को एक्चुअल में किसी चीज का वर्थ पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये प्रोग्राम आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो आप सीख लेंगे कैसे कैंसर ठीक करते हैं, जी हाँ, और मेरा ट्रेनिंग कर लिया उसमें तो आप सीख ही जाएंगे काफी गहराई से कैसे कैंसर भी ठीक कर लेते हैं और सीरियस बीमारियां भी कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और वेरियस वेरियस हजारों प्रॉब्लम्स, जो कार्मिक करेक्शंस करने हैं वो कर लेते हैं, सब मेडिटेशन के आधार पर हम करते हैं। तो जब आप ये सब सीख लेंगे तो फिर मान लो आपने किसी का कैंसर ठीक कर दिया, तो आपने जिस व्यक्ति का कैंसर ठीक किया है उस व्यक्ति के जीवन में फायदा कितना हुआ है? अगर पैसों में उसको तोला जाए तो कितने का फायदा हुआ है? 10,000 का, 20,000 का, 1,00,000 का, 10,00,000 का, 15,00,000 का, 40-50, यानी उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए उनका फैमिली कहां तक जाने को तैयार है, कितना खर्च करने को तैयार है। मान लो खर्च का पैसा नहीं है तो उधार लेके खर्च करने को कितना तैयार हो, तो उतना तो लगता ही है ना, तो आपने ट्रीट कर दिया,
कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ता दो हफ्ते के अंदर अपने माइंड पावर से उनका कैंसर ठीक कर दिया। अगर उनको पता चलता है कि आपने कैंसर ठीक किया है और वो अपना कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं और उनके मन में आ रहा है कुछ पेमेंट कर देते हैं कि भाई आपने थोड़ा सेवा किया है इसके बदले में कुछ ले लीजिए, आपको क्या लगता है, सच सच बताइए, जिसके फैमिली में कैंसर का कोई बीमार है वो ठीक हो गया है और उसको पता चला आपने मेडिटेशन करके उनको ठीक किया है, वो आपको दिल से जब दुआएं देंगे और पेमेंट करेंगे कितना पैसा दे देंगे, सच बताइए, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, उससे ऊपर कोई नहीं देने वाला अपने से, अपनी इच्छा से। हाँ, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो दे सकते हैं शायद ज्यादा भी, पर इंसान खुद के अंदर से नहीं देगा उससे ज्यादा। अगर देता भी है तो कितना देगा, 1,00,000 देगा, 10,00,000 देगा, उतना कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। तो जो भी वो देगा, मान लो 10,00,000 भी वो दे देता है, 10,00,000 रुपए आपको दे देता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो फायदा हुआ है क्या वो 10,00,000 का ही फायदा हुआ है, उससे ज्यादा का फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ है ना, और वो तो बैठे बैठे हो गया, फ्री में हो गया, बिना कुछ किए हो गया, तो फिर उनको रेसिप्रोकेट भी तो उतना ही करना चाहिए था, पर उन्होंने कितने का रेसिप्रोकेट किया, बहुत कम का रेसिप्रोकेट किया। इससे क्या हुआ, उनके जीवन में कार्मिक इंबैलेंस क्रिएट हो गया, उनके जीवन में फायदा तो इतना बड़ा पहुंचा और उन्होंने दिया उसके बदले में इतना चुटकू सा दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों का, उन्होंने दूसरे का एक्सप्लॉइट किया, दूसरे को एक्सप्लॉइट किया, तो फिर इनको भी कार्मिक रिएक्शन भुगतना पड़ेगा इसी जीवन में और भविष्य के जीवन में, अगले जन्मों में भी कार्मिक रिएक्शन भुगतना होगा। और आपके साथ क्या हुआ, आपने कुछ किया, आपने कुछ पाने की इच्छा से नहीं किया, कुछ किया उसके बदले में कुछ मिला, थोड़ा सा ही मिला। अगर आप इनसे नहीं लिए होते, इन्होंने जो भी आपको देना था, मान लो 500 रुपए देना था, 1,000 रुपए देना था, 13,000 रुपए देना था, 50,00,000 देना था, कुछ भी देना था, इनको जो अपनी तरफ से देना था आपने लेने से इनकार कर दिया, नहीं चाहिए भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे थैंक यू, नहीं थैंक यू भी उसकी भी क्या जरूरत है, मैंने किया ही किया है, सब ईश्वर ने किया। ऐसे करके अगर आप पीछे हट जाते, कुछ रिसीव नहीं करते, तो एक इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है इस ब्रह्मांड के अंदर, और प्रकृति और भगवान उस इंबैलेंस को फुलफिल करने के लिए सामने आते, दौड़ के आते। अब जब वो देंगे, इंसान देगा अपने हाथों से देगा, भगवान देंगे तो अपने हाथों से देंगे, इंसान का हाथ का साइज कितना बड़ा है और भगवान के हाथ का साइज कितना बड़ा है। इंसान एक मुट्ठी अगर कुछ देता है और भगवान भी एक मुट्ठी देते हैं, भगवान का मुट्ठी तो बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको जो मिलेगा वो बहुत गुना मिलेगा, बहुत 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 ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने शुरुआत की थी अनकंडीशनल लव के साथ, कुछ पाने की इच्छा बिना, कुछ पाने की इच्छा किए बिना आप कुछ कर रहे थे, इसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। वैसे भी जब हम कुछ पाने की इच्छा से करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और धीरे धीरे लालच आ जाता है जीवन में, और जब लालच आ जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो आपने मेरा प्रोग्राम देख देख के हीलिंग करना सीख लिया, हीलिंग करना शुरू किया, तो आप जाते हैं किसी घर में हीलिंग करते हैं, वो खुश होकर आपको 2,000 रुपए देते हैं, कोई आपको 1,000 रुपए देता है, कोई 5,000 देता है, ऐसे आपका चल रहा है, मान लो ऐसे चलने लग गया अच्छे से, कई लोगों का चलता है, एक्चुअली चलता है, मेरा टीवी प्रोग्राम देख देख के लोग अपना परिवार चलाते हैं हीलिंग कर करके पैसे लेकर, मैं मना करता हूं पर लोग लेते हैं, मुझे बताते हैं कि वो लेते हैं। खैर, सो फिर एक दिन ऐसा हुआ, आप कहीं पर हो, कहीं रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, कहीं पे आप बैठे हो, वहां पे बहुत ही गरीब आदमी कोई आ गया, बहुत गरीब, मतलब वो सच में लाचार व्यक्ति है, गरीब है, उसके पास खाने के मानदे हैं, उसको ठीक तरह से खाने को नहीं मिलता, ऐसा आदमी है या परिवार है, तो वहां पे किसी को तकलीफ है, आपका हृदय कोमल हृदय है, तो आपने उनका हीलिंग करना शुरू किया, ठीक है, और आपके मन में कोई इच्छा नहीं है कि पैसे वैसे कुछ चाहिए, आप बस दिल से हीलिंग कर रहे हो, कर तो रहे हो, और तभी एक फोन कॉल आता है, एक ऐसे फैमिली से आपके पास फोन कॉल आता है जो साधारणतः हर विजिट पे कम से कम 6,000 रुपए आपको देते हैं, ऐसा चलता आ रहा है 1-2 साल से, जब भी आप उनके घर में गए, उनके फैमिली में किसी का कुछ हेल्प किया, उन्होंने खुश होकर आपको 6,000 रुपए कम से कम तो दिए ही दिए। अभी यहां बैठ के आप एक ऐसे व्यक्ति को हीलिंग कर रहे हो, दिल से हीलिंग कर रहे हो, जिसके बारे में आपको पता है कम से कम आधा घंटा और लगने वाला है इस केस में, और हाथ में कुछ नहीं आने वाला, जबकि वहां में जाऊं तो 6,000 हाथ में आएंगे, तो आप क्या कंटिन्यू कर पाएंगे इस हीलिंग को अच्छे क्वालिटी के साथ? मोस्टली नहीं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चल रहा होगा वहां जाऊं, वहां पे 6,000 इंतजार कर रहा है मेरे लिए, कम से कम 6,000, और भी लोग होंगे, और भी शायद रेफरेंस भी मिल जाए, कोई रेफरल मिल जाए, और इनकम भी थोड़ा शायद अच्छा हो जाए, यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप जनरली स्पीकिंग
यू विल टेंड टू रफा दफा करना इसको, जल्दी से खत्म करो, चलो वहां पे। तो यहां पे आप कर सकते थे अच्छा, पर नहीं किया लालच के कारण, कार्मिक रिएक्शन आपके ऊपर आएगा फिर क्योंकि आपने करना शुरू किया था, अच्छे दिल से करना शुरू किया था, कंटिन्यू नहीं किया। शायद इस बार कर लिया, पर नॉर्मल केस में शायद आप एक और सिटिंग लिए होते बाद में, दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, पर यहां पे आप नहीं ले रहे हो एक और सिटिंग क्योंकि तो फ्री वाला है ना, आपको तो आदत पड़ चुकी है पैसे वाले हीलिंग करने के लिए। इसके लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, फिर हमारे हीलिंग का क्वालिटी खराब हो जाता है। हम जो लव देते हैं अनकंडीशनल लव, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। एनीवे, सो हमने विजुलाइज किया कि बाल ग्रो कर रहा है। अभी हेयर स्टाइलिंग कैसे करेंगे, विजुलाइज करो बालों का, जो एग्जिस्टिंग बाल है उनका स्ट्रक्चर ऐसे करके, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहां पे फोल्ड है, कर्व है, पर्म है, यहां पे ऐसा है, कर्ल ऐसा है, जो भी जैसा डिजाइनिंग स्ट्रेटनिंग करना है। विजुलाइज किया कि बालों का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर रीअरेंज हो रहा है और बाल स्ट्रेटन हो गए हैं। फिर आपको स्ट्रेटनिंग करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, ना पैसा खर्च हो रहा है, ना कुछ एक्सटर्नल कुछ बालों पर लगाना पड़ रहा है। त्वचा के लिए आपने इमेजिन किया कि रानी गुलाबी रंग का, रानी पिंक कलर का एक जल है, वॉटर है, प्योर वाटर है रानी पिंक कलर का, और आपने इमेजिन किया उसको आपने स्किन पे लगाया, और उसके स्किन पे लगाने से स्किन में ये वाले चेंजेस आ गए, जो चेंजेस आपको चाहिए। वहां से मार्क चला गया, वहां पे कोई ब्लैक हेड्स है वो चले गए, वहां पे कोई दूसरा कटा फटा कुछ है वो हट गया, वहां का रिंकल्स हट गया। ऐसे करके विजुलाइज किया कि ये रानी पिंक पानी लगाने से या रानी पिंक के टब में डुबकी लगा के वहां पे स्किन को उसको एक्सपोज करने से स्किन में ये वाले चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे करके जब आप विजुलाइज करेंगे, कुबेर मुद्रा करके करेंगे, और ये जो टेक्निक है, कोई भी टेक्निक, हेड मसाज वाला हो, स्किन वाला हो, कम से कम 16 सेकंड के लिए आप कर रहे हैं, परंतु अच्छे रिजल्ट्स के लिए 64 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए आपको ये करते रहना है, ठीक है। रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा, 1 day, 2 day, 3 days के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। खुद कीजिए, हमको फीडबैक दीजिए कि सर ऐसा ऐसा फायदा हुआ है, और हमको फीडबैक अच्छा लगे और आपकी आपका परमिशन है तो वो वीडियो हम अपने आगे वाले आने वाले प्रोग्राम्स में दिखा देंगे। और अगर आप कुछ बहुत लोगों का अच्छा कर रहे हैं ऐसा करके, और आपके पास कई सारे टेस्टिमोनियल है कि इतने लोगों ने आपकी तारीफ की है कि आपने यहां से प्रोग्राम सीख के ऐसा ऐसा किया है, तो फिर हम आपको इन्वाइट करेंगे यहीं पर स्टूडियो में, सो दैट आप भी मेरे साथ आकर प्रोग्राम कर सके फ्यूचर में, ठीक है। देखते रहिएगा हर रोज सुबह 7 बजे एवं शाम के 5 बजे यहीं पर 24 आवर्स टीवी में मेरा ये प्रोग्राम पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार।